अब ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है? ये भाई और बहन का त्यौहार है। बहन रक्षाबंधन के पर्व के दिन अपने भाई को राखी बांधती है और राखी बांध करके धागे का सूत्र बांध कर अपने भाई के लंबी आयु की शुभकामना करती है। एक वर्ष के बाद ये त्यौहार आता है, भाई बहन के प्रेम का जीर्णोद्धार करता है। कहते हैं रक्षाबंधन के दिन भाई को रक्षा बंधाते समय बहन के लिए संकल्प लेना चाहिए कि मैं अपनी बहन की रक्षा आजीवन करूंगा और सुरक्षा भी करूंगा और बहन की समस्याओं का समाधान भी करूंगा। साथ में बहन अपने भाई के लिए शुभकामना करती है कि हमारे भाई की आयु लंबी हो और हमारा भाई प्रसन्न रहे, खुश रहे। पर्व बहुत सुंदर है। बहन ऐसे कार्य करे, ऐसा आचार विचार रखे जिससे कि भाई को असमंजस और दुख ना आए। भाई को भी रक्षाबंधन पर्व के समय शपथ लेना चाहिए कि मैं अपने चरित्र का सुंदर निर्माण करूंगा और अच्छे कर्म करूंगा, धनवान महान गुणवान चरित्रवान बनूंगा और बहन की हर तरह से रक्षा सुरक्षा करूंगा। ये पर्व भाई बहन के प्रेम का पर्व है, उनके प्रेम स्नेह को ताजा करता है और पवित्रता प्रदान करता है। अब इस पर्व के दिन कितने लोग दूसरों को भी बहन मान लेते हैं और कितनी लड़कियां दूसरों को भाई मान लेती हैं। मानना एक अलग बात है और वास्तविक होना एक अलग बात है, लेकिन वास्तव में पवित्र मन से यदि आपने माना है तो निश्चित है कि आपका जीवन संकल्प होना चाहिए कि जिसको आपने रक्षा बांधी है भाई की दृष्टि से ही उसको सदैव देखें और जिससे आपने रक्षा बंधवाई है उसको बहन की दृष्टि से ही सदैव देखें। उन रिश्तों में पवित्रता होनी चाहिए, रिश्तों में गंदगी नहीं आनी चाहिए। केवल समाज को दिखाने के लिए नहीं, केवल लोगों को बताने के लिए नहीं कि हमको इतनी लड़कियां भाई मानती हैं, हम इतनी लड़कियों को बहन मानते हैं, ये दिखाने की बात नहीं है, ये वास्तविक बात है। उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आपकी बन जाती है और ये पर्व वीर शिवाजी ने, ऐसा इतिहास में कथा है, वीर शिवाजी ने इस पर्व का शुभारंभ किया था। जिस समय हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, देश धर्म की रक्षा के लिए भाई संघर्ष करने के लिए खड़ा हुआ था, उस समय बहन ने एक धागा हाथ में बांधा था कि जाओ, ये हमारे प्रेम का धागा, स्नेह का धागा आपकी रक्षा करेगा और आप अपने लक्ष्य में सफल होंगे और हिंदू धर्म के कवच कुंडल बनेंगे, देश धर्म का पालन कर पाएंगे।
ये पर्व शास्त्रों में बताया जाता है कि राजा बलि और भगवान वामन अवतार के मध्य का भी ये पर्व है, उस समय से भी ये मनाया जाता है। उनके बीच की कथा आती है, इंद्र जी के बीच की भी एक कथा आती है, उस कारण से भी ये पर्व मनाया जाता है। परंतु बहुत सारी किंवदंतियां हैं, बहुत सारी कथाएं रक्षाबंधन के पर्व के उपलक्ष्य में जुड़ी हुई हैं। सच्चाई ये है कि रक्षाबंधन सीधा सा अर्थ है कि जिस अपने भाई को कलाई में धागा बांध करके बहन सुशोभित करती है कि तू मेरा भाई है। भाई का अर्थ होता है कि अपनी बहन की हर तरह से सुरक्षा करना, सुव्यवस्था करना और वास्तव में ये पर्व ये भी समझाता है कि आप यदि गृहस्थ आश्रम में हैं तो गृहस्थ आश्रम में आपकी पत्नी के अलावा जितनी भी लड़कियां हैं उनके शील धर्म की रक्षा करने का आपका कर्तव्य बन जाता है कि आज समय सभी लड़कियों को बहन की दृष्टि से देखूंगा, उनके चरित्र की रक्षा करूंगा, उनके शील धर्म की रक्षा करूंगा, कभी भी गलत कर्म नहीं करूंगा। ये पर्व इस बात का भी संकेत देता है। और बहनें जैसे अपने भाई की आयु उम्र बढ़ाने के लिए और हमारे भाई के जीवन में कोई प्रकार का कष्ट, बाधा, दुख ना आए, इसके लिए रक्षा बांधती है। तो सभी बहनों को चाहिए कि अपने भाई के लाइफ में स्वयं ही कष्ट और बाधा का कारण न बने, भाई से लड़ाई झगड़ा न करें, बकवास न करें, प्रेम भाव रखें। और भाइयों को चाहिए कि अपनी बहनों को अल्टरसेंट बातें मत करें, चुगलीचाई न करें, एक दूसरे का घर न बिगाड़ें, तिकड़मबाजी न करें। और भाई के सम्मान की रक्षा, बहन के सम्मान की रक्षा, प्रतिष्ठा की रक्षा भी एक दूसरे को कर्तव्य समझ करके पूरा करना चाहिए। जो लोग संन्यास ले लेते हैं, साधु बन गए, परिवार छोड़ करके संत हो गए, अब उनको क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को, साधु संतों को पूरी देश की माताओं बहनों के लिए ज्ञान के सूत्र का बंधन अपने वाणी के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा, अपने जीवन रहनी के द्वारा बांध देना चाहिए। साधु का मन इतना पावन होना चाहिए, उसको अपनी सगी बहन की बात नहीं है, कोई भी बहन हो एक्स वाई जेड, और कोई भी नारी हो, सबके शील धर्म और चरित्र धर्म की रक्षा के लिए ज्ञान का फार्मूला देना चाहिए। सत्संग के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, अपने जीवन दर्शन के माध्यम से समस्त नारियों के शील की रक्षा करना, ये साधु का धर्म होता है। और समस्त नारियां एक श्रद्धा के सूत्र के द्वारा साधु संत गुरु के प्रति शुभ कामना करती रहे कि हमारे गुरु का वैराग्य सुरक्षित रहे, संतों का त्याग तप ब्रह्मचर्य सुरक्षित रहे, ऐसी पवित्रता के साथ में वह शुभ कामना करें और रक्षाबंधन के दिन पकवान पूड़ी, कचौड़ी, खीर, सेवई आदि यथाशक्ति अपने घर में बना करके स्वयं भी खाना चाहिए,
और आने वाले मेहमानों को प्रेम से खिलाना चाहिए। कोई प्रेमी नेमी और आ जाए उसको भी खिलाना चाहिए। और रक्षाबंधन के दिन अपने घर के पशुओं को भी एक एक पूड़ी खिलाना चाहिए। आपके द्वार पर गाय हो, भैंस हो, बैल हो या पाड़ा हो, या आपके द्वार पर बकरी बंधी हो, या कि पंछियों को भी रक्षाबंधन के दिन दाना चुंगा देना चाहिए और किसी भी प्राणी का वध नहीं करना चाहिए। क्योंकि रक्षाबंधन का अर्थ ही है सबकी रक्षा हो। सर्वे भवन्तु रक्षिणः, सर्वे सन्तु निरामयाः। और सब सुखी रहें, सभी प्रसन्न रहें और गुरु के प्रति शिष्यों को रक्षाबंधन के पर्व के दिन चरणों में बैठ करके मन ही मन संकल्प लेना चाहिए, या आप जहाँ हैं वहीं पर, कि मैं अपने गुरु की हर तरह से रक्षा करूँगा, छल कपट नहीं करूँगा, षड्यंत्र कोई नहीं करूँगा, मूर्खता के काम नहीं करूँगा, गुरु के सम्मान प्रतिष्ठा और यश की रक्षा करूँगा, कीर्ति की रक्षा करूँगा। हमारे गुरु ने जो भी इस दुनिया के अंदर करोड़ों नर नारियों को ज्ञान का संदेश दिया है, उन करोड़ों भक्तों के श्रद्धा की भी रक्षा करूँगा, आस्था की रक्षा करूँगा, उनके प्रेम की रक्षा करूँगा। और ये सब पवित्र मन से करूँगा, मन में मलिनता और कोई स्वार्थ हो, कोई लालच नहीं रखूँगा, निस्वार्थ भाव से करूँगा। तब समझो साधु संतों का रक्षाबंधन पर्व भी सफल है, गृहस्थों का भी ये पर्व सफल है। और ये पर्व सबके लिए बड़ी चुनौती का पर्व है, ये कोई साधारण पर्व नहीं। ऐसा भी नहीं केवल है कि पूड़ी कचौड़ी खाकर खीसे कढ़ते घूमो। ये पर्व आपके संकल्पों का पर्व है, प्रतिज्ञा का पर्व है, प्रण लेने का पर्व है, मन की पवित्रता का पर्व है। गृहस्थ आदमी अपनी स्त्री के अलावा, अपनी पत्नी के अलावा समस्त नारियों में बहन का दर्शन करे, ऐसी प्रतिज्ञा ले, आजीवन संकल्प ले कि दूसरी नारियों में वासना की भावना नहीं लाऊंगा, उपासना की दृष्टि रहेगी, बहन के भाव से देखूंगा, तभी रक्षाबंधन पर्व आपके लिए शुभ होगा, सफल होगा और आपको शांति प्रदान करेगा। और ये साधु संतों को धर्म की रक्षा के लिए, भक्ति की रक्षा के लिए, अपने कर्तव्यों की रक्षा के लिए, वैराग्य की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प रक्षाबंधन के पर्व के दिन लेना चाहिए कि हम कभी डिगेंगे नहीं और गुरु के चरण छूकर या गुरु को हाथ जोड़कर संकल्प लीजिए कि हे गुरुदेव, ऐसा आशीर्वाद दें जिससे कि मैं इस मार्ग में, संन्यास पथ में, त्याग तप में टाप रहूं, चोरी न करूं, छल न करूं, बेईमानी न करूं, षड्यंत्र न करूं, गलत कर्म न करूं, व्यभिचार न करूं, ब्रह्मचर्य का सही पालन करूं और आपके चरणों में शुद्ध पवित्र श्रद्धा रखूं, दंद फंद ना करूं, जैसे निर्मलता के लिए मैं आया हूं आपके सानिध्य में, वो निर्मलता मेरी सदैव बनी रहे, कोई गलत काम ना मेरे से हो, आप मेरी रक्षा करें, कोई बुराइयां हमारे अंदर पनपने ना पाए। गुरुदेव एक शिष्य के बहुत बड़े रक्षक होते हैं। विशाल देव ने लिखा है, उपकारिन में उपकार गुरु, दानिन में गुरु दान, रक्षक में रक्षक गुरु, गुरु समय अन्य नयान। रक्षाबंधन का व्यापक अर्थ है, गुरु के समान और कौन रक्षक है, जो हमारे संस्कारों की रक्षा करता है, कल्याण की रक्षा करता है, हमारे अच्छे अच्छे गुणों की रक्षा करता है और हमको ज्ञान दे करके हमारे पूरे जीवन की रक्षा सुरक्षा करता है, उसका नाम गुरु होता है। रक्षाबंधन का पर्व गुरु के लिए, शिष्य के लिए, भक्तों के लिए, सबके लिए ये संकल्प का पर्व है। एक स्त्री को भी अपने पति की रक्षा के लिए संकल्प लेना चाहिए, एक पति को भी अपनी पत्नी की सुरक्षा के लिए आजीवन संकल्प लेना चाहिए। पिता और पुत्र में यही रक्षा का संकल्प होना चाहिए, माँ और बेटे और बेटी में भी संकल्प होना चाहिए, सास बहू के बीच में संकल्प होना चाहिए। ऐसे तो ये भाई बहन का पर्व है, लेकिन हम
इस रक्षाबंधन का व्यापक अर्थ अगर देखते हैं तो यहाँ पर एक दूसरे की रक्षा करना ही बंधन का मतलब होता है, बंध जाना, एक दूसरे की रक्षा के लिए कटिबद्ध हो जाना। तो देश की समस्त बहनों को और भाइयों को मैं शुभकामना करता हूँ, कल 3 अगस्त 2020 को धूमधाम के साथ में अपने घर में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाइए। और बहनें आपके घर में आएंगी, उनको लेने के लिए गाड़ी भेजिए, व्यवस्था कीजिए, अपने घर की पूर्ण सफाई कीजिए। और आजकल तो रक्षाबंधन में सूत्र नहीं, बहुत अच्छी अच्छी राखी आती है, 5 रुपये से लेकर के 2 रुपये से लेकर के 10 रुपया, 20 रुपये, 50, 100, 200, 500, 1000, तरह तरह की विचित्र विचित्र, जैसी आपकी यथाशक्ति हो राखी लेकर अपने भाई को बांधें। और भाई का धर्म है कि अपनी बहन को रक्षाबंधन के दिन कुछ गिफ्ट भी दे, उसका सम्मान करे, आदर करे और बहन का आशीर्वाद भी ले। और भाई बहन दोनों पवित्र प्रेम भावना से आजीवन एक दूसरे को सहयोग सुरक्षा देते हुए जिंदगी जीने का संकल्प भी लें। और रक्षाबंधन के एक दिन पहले ही साफ सफाई कीजिए और रक्षाबंधन के दिन भी सुबह सुबह अपने घर द्वार की सफाई कीजिए, अपने घर के पशु पक्षियों का भी ख्याल रखिए, द्वार पर आए हुए मेहमान को भी प्रेम दीजिए, उसको भी सम्मान दीजिए और उसको स्वागत करिए, खिलाइए पिलाइए और साथ में प्रेम से रहिए। प्रेम का भी बंधन है ये, प्रेम से रहने का भी संकल्प लो। कले कलेश का त्याग करो, निंदा बुराई का त्याग करो, चुगली चाई का त्याग करो और हिल मिल करके रहो भाई बहन, एक दूसरे की प्रति कोई मन में गठान है उसको भी त्याग करो।